तो स्वागत है आपका 20 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के एपिसोड नंबर 17 में। आई नो आपको इस सीरीज से काफी इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जैसा कि आपने फीडबैक कमेंट दे रहे हो, तो मेक श्योर इसी वर्कआउट सीरीज को इसी तरीके से फॉलोअप करते रहो। इस 20 डेज चैलेंज में आप मैक्सिमम 5 to 6 इजिली कम कर सकते हो। तो जैसा कि लास्ट वाली जो वीडियो आई थी वो आई थी साइडपैड के ऊपर, और आपका रिक्वेस्ट था कि सारे एक अपर बॉडी से रिलेटेड एक नई इंटरेस्टिंग वर्कआउट बनाओ, बट प्लीज उसमें डंबल यूज मत करना। तो आपके रिक्वेस्ट सर माथे पे, तो आज की जो वर्कआउट है वो है एक अपर बॉडी, और ये हम लोग करने वाले हैं एक बॉटल की मदद से। आई होप ये बॉटल आपके घर पे होगी ही। तो कुर्सी की पेरी बांध लीजिए, बहुत इफेक्टिव से वर्कआउट शुरू करता है। और इस सारे वर्कआउट को आपको 3 सेट करना है। मेक श्योर चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट डाई चार्ट लेना, तो यूजर आईडी यहां पर फ्लैश हो रही है, मैसेज करो, पिन करो, विद इन 24 आवर डाई चार्ट आपके फोन में होगा। तो ये है कुछ वर्कआउट के बेसिक रूल जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है वर्कआउट करने से पहले। आइए, 2 वर्कआउट हम लोग की, पहली है ये है वार्मअप, ये वार्मअप हम लोग करने वाले हैं। चेस्ट को रोटेट करेंगे हम लोग, ये क्लॉकवाइज होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, डिपेंडिंग आप बहुत आराम से, क्योंकि ये मोबिलिटी वर्कआउट है। अगर मोबिलिटी वर्कआउट में हम कहीं से भी अपने बॉडी को रोटेट अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा शोल्डर ब्लेड है वो ट्रिगर हो सकता है। तो मेक श्योर आप बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं है, 8 मिनट की वीडियो है, आराम से देखना है, वीडियो को साउंड लगा दो और मेरे साथ आप चाहो तो परफॉर्म कर सकते हो। तो ये है हमारी फर्स्ट मोबिलिटी वार्म अप वर्कआउट। तो जनाब आइए बढ़ते हैं अपने सेकेंड वार्म अप वर्कआउट, ये है चेस्ट स्ट्रेच। अब ये देखो, तो मैं पीछे की तरफ आ रहा हूँ और अपने आर्म्स को ठीक अपने चेस्ट के नीचे मैंने लगा के रखा है। अब इससे होता है क्या, जो आपका लोअर चेस्ट है, जो सैगिनेस का पार्ट है, वो वहाँ पे स्ट्रेच क्रिएट होगा, प्लस उसको लिफ्ट करने में ये वर्कआउट वन ऑफ द बेस्ट और ईजिएस्ट वार्म अप में काउंट होती है। तो इसके आप लगाने वाले हो एटलीस्ट 12 to 15 रेप्स के 3 सेट, और अगर आप 30 सेकंड टाइमर के साथ करते हो मेरी तरह, तो आप 30 सेकंड के एटलीस्ट आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं। ये हमारी दूसरी वार्म अप वर्कआउट। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट मेन वर्कआउट, ये है बॉटल फ्लाइज। जो बॉटल की जो क्वांटिटी है वो है 1 लीटर, तो अगर आप इस बॉटल को रिप्लेस कर चाहो किसी डंबल से तो आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो। डंबल मैंने इसलिए लिया है सो दैट अगर आपके पास वेट्स नहीं है, डंबल्स नहीं है, तो आप इस बॉटल से परफॉर्म कर सकते हो, बट बेटर रिजल्ट्स किससे मिलेगा वो है पेयर ऑफ डंबल के साथ। ये है बॉटल फ्लाई जो आप बैठ के लगाने वाले हो, दैट इज 30 सेकेंड्स के एटलीस्ट आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं, और ये है हमारी फर्स्ट मेन वर्कआउट। सो आइए बढ़ते हैं अपने सेकेंड वर्कआउट, ये है बॉटल फ्लाइज। अगेन इस फ्लाइज में और उस फ्लाइज में क्या अंतर है, ये हमारे लोअर चेस्ट के लिए है, वो हमारे साइड चेस्ट के लिए। तो हम लोग अपने चेस्ट का जो तीनों हेड है, अपर, मिडिल एंड लोअर, तीनों को टारगेट करेंगे ताकि एक सिमेट्रिक डेवलप हो सके आपके चेस्ट की पार्ट की। ये बॉटल फ्लाइज आप हाफ सीटेड की पोजिशन पर बैठ के आप लगाने वाले हो 30 सेकेंड्स के एटलीस्ट 3 सेट। अगर आप नंबर्स में करते हो तो एटलीस्ट आप 30 रेप्स काउंट करके फिर उसके 3 सेट लगाने वाले हो। ये है हमारी दूसरी वर्कआउट। अब जो हमारी थर्ड वर्कआउट है ये है अर्नोल्ड प्रेस। अर्नोल्ड एक बॉडी बिल्डर्स थे, तो वो वर्कआउट इन्हीं से इजाद की गई है, इसलिए इसका नाम अर्नोल्ड प्रेस हो गया है। अब ये है, रोटेट करोगे ऊपर की तरफ और जहां पर आपका चिन आता है और आपका जहाँ अपर चेस्ट है वहाँ के ठीक सामने आपको डंबल लाना है और पूरा ऊपर तक आपको रोटेट करते हुए लेके जाना है। ये 2 वर्कआउट है एक ही में कह सकते हो, आपका शोल्डर ब्लेड भी ट्रेन करता है और आपका अपर चेस्ट भी ट्रेन करता है। तो हम लोग मल्टीपल बेनिफिट्स वाले वर्कआउट आज परफॉर्म करने वाले हैं, तो ये आप लगाए हुए एटलीस्ट 30 रेप्स के 3 सेट्स। ये हमारी थर्ड वर्कआउट। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है वो है स्टैंडिंग प्रेस। ये आपका हल्का सा लेग को भी मसल को ट्रिगर करती है, प्लस आपका जो आउटर चेस्ट है और इनर चेस्ट है वहाँ पे टारगेट क्रिएट करती है। तो ये भी बहुत इजी वर्कआउट है, बट अगर इसको आप रिप्लेस करते हो विद पेयर ऑफ डंबल से, तो डंबल से ये वर्कआउट थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो अगर आप डंबल के वेट के लेके कंसर्न हो कितना उठाना चाहिए, तो मिनिमम 3 से 5 kg का डंबल का वेट होना ज़रूरी है, बट जितना आप हेवी उठाओगे आपके लिए उतना ही यूजफुल वर्कआउट है। बट इस वर्कआउट में आपको ध्यान रखना है रिगार्डिंग वेट्स। आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कआउट की ओर, ये है बेंड फ्लाइज।
ये हमारे कंप्लीट ओवरऑल चेस्ट को टारगेट करता है। हल्के से कमर को बेंड करके करोगे, अगर आपकी कमर में दर्द है, बैक में अक्सर पेन रहता है, तो आप किसी चेयर का सहारा ले सकते हो ताकि आप उस टेंशन से बच सको। ये करते समय आपको ध्यान क्या रखना है ना, यहाँ पे हमें पूरा ऊपर और पीछे लेके जाना है ताकि आपका जो बैक है, आपका जो चेस्ट है, वहाँ पे कंप्लीट टेंशन क्रिएट हो सके, तब जाके ये इफेक्टिव होगा। इसके आप लगाने वाले हो एटलीस्ट 30 सेकंड्स के 3 सेट्स। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट की ओर, दैट इज योर साइड फ्लाइज, या आपके आउटर चेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फीमेल्स का, जो बाहर का सिरा है बॉडी का, चेस्ट का, उसको टारगेट करता है। प्लस सैगिनेस के लिए ये वर्कआउट वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि ये साइड पार्ट को ट्रेन करता है, साइड पार्ट को हिट करता है। तो इसको ज़रूर ऐड करना, कुछ करना चाहे मत करना, बट मैं बोलूँगा अगर डंबल से करते हो इसको तो बहुत लाइट वेट डंबल आपको यूज़ करना, क्योंकि बहुत ऊपर तक आप वेट के साथ उठा नहीं सकते हो। इसके लगाने वाले हो कितने, 30 सेकंड्स के एटलीस्ट 3 सेट्स। आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कआउट की ओर, दैट इज योर पुलओवर्स एंड डंबल प्रेस। अब ये डंबल लेइंग भी बोल सकते हो, लेइंग फ्लाइज भी बोल सकते हो, इसके मल्टीपल ऑफ बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पे मैंने दो वर्कआउट को एक ही साथ कंबाइन किया ताकि आपका लोअर चेस्ट प्लस आपका अपर चेस्ट दोनों ही इक्वली ट्रेन हो, इसलिए इसका नाम है लेइंग फ्लाइज। अगर आप नंबर वाइज करते हो तो आप 20 रेप्स करोगे 3 सेट, अगर आप टाइमर के साथ करते हो तो आप 30 सेकंड करोगे 3 सेट। इसका आपको ध्यान रखना है, बशर्ते फॉर्म यही होनी चाहिए, टेक्निक यही होनी चाहिए और इसी पोस्चर के साथ आप परफॉर्म करने वाले हो, तभी आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट, दैट इज योर प्लैंक स्ट्रेच। अब मेरी हाथों की अगर प्लेसमेंट देखोगे तो मैंने हल्का सा हाथों को क्लोज रखा है ताकि हमारा जो अपर चेस्ट का टारगेट है वो मसल हिट हो सके। तो दोनों का हाथों को जितना हो सके उतना क्लोज रखो, बस एक के ऊपर ओवरलैप मत करना, इसका आपको ध्यान रखना है। पूरी हिप को पीछे लेके चले आओ अपने हील तक, तब जाके आपका पूरा चेस्ट ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा और सैगनेस से दूर करने में ये वर्कआउट भी बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती है। तो इसके आप लगाने वाले हो कितने, 30 सेकंड्स के 3 सेट। इस तरीके से हमारी होती है पूरी वर्कआउट डन। तो ये थी कंप्लीट वीडियो डे 17 की। आई होप आपको वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। इसके साथ चाहते हो मैं आपको पर्सनली 1-to-1 ट्रेनिंग दूं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सबसे जरूरी क्या है, इन मोहतरमा की तरह आप भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। तो मिलते हैं डे नेक्स्ट वाली वर्कआउट वीडियो के साथ। तब तक कौन से आपके फेवरेट वर्कआउट थे, किस बॉडी पार्ट को लेकर आप कंसर्न हो, चाहते हो उस पर वर्कआउट बने, तो उसका पिन कमेंट बॉक्स में जरूर करना। मैं उस वीडियो पे काम करूंगा और नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाली है। बाय बाय, टेक केयर।